तो राम राम जी सारे, कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और भाई देखो, राम राम नहीं लिख रहे हो नीचे, बड़ी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लो। अच्छा देखो भाई, दूसरी चीज़ बताऊँ कि अब जो वीडियोज़ में एक दिन या दो दिन के गैप में मिलेंगी, रीज़न कि मैं जा रहा हूँ भाई ट्रिप पे, तो वहाँ पे इंटरनेट होगा नहीं होगा, वीडियो एडिटिंग का मिलेगा टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मेरे को माफ़ी दीजिएगा। बट हाँ, कंटेंट मैं आपके लिए पूरा पूरा लाने की कोशिश करूँगा, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी है। एनीवेज, आज आपका भाई जो है आपकी डिमांड पे क्या करवा रहा है, अपनी गाड़ी में जो पिलर्स हैं उनको ब्लैक करवाने जा रहा हूँ। तो भाई काम बड़ा सस्ता होगा, एंड काम जो है मैं ऑलमोस्ट करा चुका हूँ, बाद में आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि अपनी गाड़ी में काम जो है कैसा होगा। तो भाई अभी गाड़ी जो है धुलवा के लाया था, और धुलवाने के बाद भी देखो यहाँ पे जो साइड में आपको दिख रहा होगा, तो मडगार्ड्स उतने ज़्यादा काम तो नहीं आए, बट हाँ फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा रेत था ये शायद बची गया होगा। तो पीछे वाले के साथ भी सेम सीन है, तो 50-50 है कि शायद प्रोटेक्ट कर भी रहा है एंड शायद प्रोटेक्ट नहीं भी कर रहा। बाकी आप लोगों का जो मडगार्ड है वो प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता, बिकॉज अलॉयज जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, यहाँ से मैं दिखाऊँ तो इतने इतने भार हैं, तो उसकी वजह से जो है ये सीन आता है। तो राम राम जी, आपके भाई ने जो है गर्मियाँ डिक्लेयर कर दी है, देख सकते हो। और भाई गर्मी सही में ही हो चुकी है, सिर्फ मैंने क्या डिक्लेयर करी है, बट गर्मियाँ जो है हो चुकी है। और हाँ, कई मेरे भाई पूछ रहे थे हाथ पे चोट कैसे लगी, तो भाई स्काई ने काट लिया था, उस वजह से जो चोट लग चुकी है। एनीवेज भाई, अपनी गाड़ी में आप लोगों ने देख लिए होंगे साइड हैंडल्स, ये दिख रहे होंगे आपको, तो ये जो है वाइट तो मैंने करवा लिए थे। अब उसके बाद मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई अब एक सिर्फ काम रहेगा आपकी गाड़ी में, साइड के जो पिलर्स हैं उन्हें भी ब्लैक करवा लो। तो उसी के लिए चल रहा है आपका भाई पिलर्स। भाई जो जो आप लोग बोलोगे ना, देखो आप सारे जानो मेरी, है ना, बस कमेंट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, एक दो बातें हैं जो बुरी लगती हैं, बट इतना सा कर लो, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, नीचे वीडियो पे कमेंट करो कैसी लग रही हैं वीडियोस, इतना ही चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज, अभी आपका भाई जा रहा है पिलर ब्लैक करवाने, तो उसके बाद देखते हैं लुक्स कैसे लगेंगे। बिफोर आफ्टर के जो भी लुक्स होने वाले हैं मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो लेट्स सी, गाड़ी के लुक्स एनहांस होते हैं, डिग्रेड होते हैं, जो भी होते हैं विल सी, बिकॉज मैं जो है सिर्फ रैप ही करा रहा हूं। एंड रैप के बाद जो है बेसिकली सीन ये होता है कि भाई गाड़ी जो है टॉप मॉडल बन जाती है, जैसे कि उसमें जो ऊपर अपने ब्लैक आते हैं, तो वी विल सी कि ब्लैक होगा या जो भी होगा। सो गाइस, क्योंकि अभी अपना बेस मॉडल है, कल इसके हैंडल्स तो जो थे मैंने वो करवा ही लिए थे, भाई लोग बोल रहे थे कि भाई इसके ए बी पिलर्स हैं वो भी करवाइए, तो अब जो गाड़ी को ए बी पिलर्स के लिए लेके जा रहा हूँ, इस साइड से मैं दिखा दूँ, मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे चढ़ा रखी है क्योंकि रास्ते में नहीं लगा सकता। एनीवेज, गाड़ी के लुक एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे लग रहे हैं, और चेंज होने के बाद वी विल शो यू कि कैसे कुछ लुक्स लगते हैं, तो चेंज होने का प्रोसेस मैं पूरा दिखाऊंगा एंड उसके बाद होने के बाद भी दिखाता हूं। तो एज ऑफ नाउ ऐसी कुछ जो है अपनी गाड़ी लग रही है, बेस मॉडल बोल लीजिए, पार्शियल बिकॉज सेंटर वाला काम हो जाएगा, बट हाँ उससे पहले ऐसा चल। यहाँ से अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली ये नाप रहे हैं कि कितना कुछ जो है होगा, एंड मैं बता दूँ कि दोनों तरफ होगा और भाई बहुत क्राउडेड है, तो यहाँ पे गाड़ी लगाना अपने आप ही महाभारत, इधर से आपको दिख रहा हो कितनी कम जगह है जहाँ जा रहा हूँ। एनीवेज, पूरी गाड़ी में अभी जो है हम लोग करवाने लग रहे हैं, तो अगर हो पाया तो मैं साथ के साथ भी दिखाते रहूँगा रिकॉर्डिंग, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट मैं मिलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे फोन छीनने वाले भी भाई बहुत लोग रहते हैं। तो गाइस, ये मटेरियल है जो यूज़ किया जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ, बेसिकली ये वाला जो रैप है वो लगाया जाएगा, एंड वहाँ पे जो है पूरा साइज वाइज लिया जा रहा है कि कितने कुछ साइज है। तो यहाँ से प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, पहले जो रबड़ निकाला जाता है, रबड़ निकालने से होगा कि जो टकिंग होगी बेसिकली फिटिंग होगी वो बढ़िया से होगी, तो ऐसे करके जो है अपना फर्स्ट लगाया जा रहा है। तो लो बन गई भाई टॉप मॉडल अपनी, देखते हैं अगर सही लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो उतर जाएगा, बिकॉज ये कोई खास वो नहीं है, पेंट नहीं करवा रहा मैं इस पर। हाँ, ये ज़रूर मेरे को बढ़िया लग रहे हैं, उसका आई एम जस्ट कन्फ्यूज कि वो सही लगेगा या नहीं लगेगा, तो जैसा भी लगेगा देखते हैं। तो गाइस, अच्छे से चिपक जाए इसके लिए जो है ब्लोअर मारा जाता है, तो यहाँ पे ब्लोअर मार दिया गया, एंड इस प्रोसेस में लगभग मैं बता दूँ आधे से एक घंटा पूरा कंज्यूम होगा, बिकॉज करने में तो 5-10 मिनट में भी हो जाए, बट अच्छे से काम कराओ तो ऐसा कराओ कि उतरे ना बार बार। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर चेकिंग कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बिकॉज पर्सनली मेरे को वाइट में भी कोई इशू नहीं था, बट मेरे सारे भाइयों ने बोला कि भाई टॉप मॉडल बनाओ और उसमें आप जो है ये करवाइए ए बी पिलर, तो मैं वही करवा रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू गाइस सेड। तो लेट्स सी कैसे कुछ जो है फाइनल आउटपुट आता है। फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो चुका है एंड फिनिशिंग आप देख सकते हो कि भाई मारुति वाले जैसी फिनिशिंग देते हैं ना वैसी फिनिशिंग दी है भाई ने एकदम, है भाई एक नंबर का काम है। तो यार भाई का काम सच्ची में इतना ज़्यादा बढ़िया होता है ना, पिछली रेट्स में भी मैंने कराया था, तो एक नंबर का काम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एनीवेज, सो गाइस जैसे कि आपने देखा ये पिलर तो पूरा हो चुका है, सेकंड जो बीच का अपना पिलर है उस पर भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको काम बेसिकली। तो ये सारा प्रोसेस मैं नहीं दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, बिकॉज सेम ही प्रोसेस होने वाला है हर जगह पे, लग जाता है एक बार गाड़ी में उसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको। तो गाइस उधर के तो हो चुके हैं, मैं लुक्स बाद में दिखाऊंगा ताकि एकदम से बढ़िया से लगे आपको। सेम गोज विद दिस साइड, अपना इस साइड का भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यू नो, तो मे बी आवाज़ में थोड़ा बहुत जो है डिस्टॉर्टेशन आ सकता है आपको। एनीवेज अभी देखते हैं कितनी देर इसमें और लगेगी, 5 मिनट में वो पूरा हो गया था, 5 मिनट में ये, मेरे हिसाब से जो ये पिलर्स हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें तो रबड़ आराम से निकल रहा था, इसके यहाँ पे टकिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा भी होगा वी विल सी। खैर
यहाँ पे भाई कर रहे हैं अपने, एंड वर्क है, शॉप है रविंदर एंड सन। ये भिवानी का एरिया है अपना, दिनोद गेट बोल सकते हो इसको, बेसिकली दिनोद गेट है। तो अगर इनकेस मेरा कोई भिवानी भाई से हो तो यहाँ पे आके काम करवा सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है भाई, अल्टीमेट काम करता है सही में। सो गाइस ये वाला हो चुका है पिलर, यहाँ से दिख रहा होगा, अब काम स्टार्ट हो चुका है अपने उस पिलर का। तो इधर से थोड़े से लुक्स दिखा दूँ वापस से, ये देख सकते हो। तो गाइस ऐसा कुछ लग रहा है, मैंने लुक्स अर्ली रिवील कर दिए, बट हाँ इस तरफ का अभी करने वाले हम लोग जो ये वाला पिलर है, तो थोड़े से लुक्स ऐसे भी लग रहे हैं, लिख के बताओ कि भाई कैसे लग रहे हैं। अपनी LXi2 जो टॉप की हमारी कोशिश चल रही है गाइस, अगर इनकेस आप भी कराने जा रहे हो और आपको डाउट हो रहा है कि कहाँ तक होना चाहिए, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी जो होगी उसमें एक थोड़ा सा उभार होगा, तो जो ये अप है, अप स्लाइड है, इसके नीचे नीचे कराइएगा। उस तरफ भी था, यहाँ पे सेम दिखा दो, अब तो चूंकि हो चुका है तो यहाँ तक कराना था, एंड सेम गोज विद दिस साइड। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इतना सा होगा, तो इधर इधर तक कराएगा, कोई भी गाड़ी हो आपके पिलर्स में हमेशा इतना इतना दिया जाता है गैप। भाई अपना ये वाला पिलर जो है इसका काम भी स्टार्ट हो चुका है, तो रबर्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है निकालने पड़ते हैं, जिस एक्सटेंड तक निकले ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पे जो है इतना इतना हो गया है, तो अपना एक तो ये वाला पिलर होगा, देन ये वाला पिलर होगा। एक स्विफ्ट दिखाऊंगा आप लोगों को जूम करके थोड़ा, और देखिए क्या हालत बना रखी है उसकी। सो गाइस वो स्विफ्ट दिख रही है आपको, उसके ऊपर भाई रूफ रेल्स लगा रखी हैं सच्ची में यार, वो देखो। तो गाइस अब जो काम है वो फाइनल स्टेज में आ चुका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ के पिलर्स हैं उन्हें करा जा रहा है, उस तरफ का अपना टोटली कंप्लीट हो गया। तो अब गाड़ी कहीं पर रोक के मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ लग रहे हैं लुक्स, एंड ट्रस्ट मी लुक्स काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो चुके हैं। एक बार गाड़ी कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूर से दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक एंड आई कांट शो यू सीरियसली। तो ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, डीसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लेट्स वेट कितनी देर लगती है उसके बाद, लेट्स सी। गाइस अभी जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था यहाँ पे, तो अपना काम हो ही रहा था, मेरे को एक चीज़ दिखी जो मेरे स्काई ने कर दी है, पास से जाके नज़दीक से देखेगा आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रैच मार रखे हैं स्काई ने, और साथ ही साथ अपना जो हेडलैम्प है इस पर, क्योंकि मैंने PPF करवाई थी, तो PPF से भाई ये जो हेडलैम्प है ये बच गया थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे स्क्रैच देख सकते हो कितना भयंकर मारा है। तो हेडलैम्प पे स्क्रैच नहीं है, PPF पे स्क्रैच है, तो मेक श्योर आप भी PPF कराएं, और PPF का ब्लॉग देखना है तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ। इज हेयर कम्स द फाइनल लुक्स ऑफ आर एक्स, तो बताइए देखिए कैसी लग रही है। भाई आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उस पे जो है मैंने ये पिलर्स को भी ब्लैक करवा दिया है, पास के तो लुक्स मैं दिखाई दूंगा, इस तरफ जो धूप है तो आपको थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा नहीं पड़ रहा होगा कि एक्चुअल में कैसा लग रहा है। तो हम लोग चलते हैं उस तरफ, एंड भाई ट्रस्ट मी कि आप लोग जो जो बता रहे हो मैं कर रहा हूँ, एंड लुक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे को बड़ी बुरी लग रही है यार, देखो कितना ही गाड़ी को साफ कर लो पर ये जो चीज़ है ना, देखो यहाँ पे उड़ उड़ के फिर भी आई जाती है, वहाँ से उड़ के यहाँ पे आई डायरेक्ट, नहीं तो वहीं पर रुक जाती है, तो यहाँ पर उड़ के आ गई। तो एनीवेज कल सुबह स्टार्ट करूँगा, अब मेन बात करते हैं कि भाई ऐसे कुछ जो लग रहे हैं अपनी एक्स के लुक्स आफ्टर पिलर्स। अब हम चलते हैं करीब, और भाई करीब से जाके आप देखोगे ना सच्ची में, मतलब इतना बढ़िया काम करा है उस भाई ने, इतना बढ़िया काम करा है जिसकी कोई हद नहीं, कि कोई बता नहीं सकता कि भाई बाहर से कराया है या फिर ओरिजिनल शोरूम से आया है। एंड आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया लिख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। तो देख सकते हो एकदम बढ़िया से सारा का सारा काम हुआ है, कहीं पे भी वही नहीं बता सकते देख के, मतलब हाँ नज़दीक से कोई जाएगा और ऐसे ऐसे करेगा तो दैट्स टोटली डिफरेंट, बट हाँ पास से कोई भी नहीं बता सकता। मतलब ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, इधर देख सकते हो, इधर है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया काम करा है, A1 काम करा है, एंड सच्ची में दिल को खुश करने वाला काम करा गया है भाई की तरफ से। अब बात करते हैं कि भाई कितने कुछ रुपए लगे इसमें और कितना कुछ खर्चा आया है। देखो कल अगर हैंडल वाली वीडियो नहीं देखी हो आपने तो हैंडल वाली वीडियो देख लीजिएगा जाके भाई, ये तो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, टॉप पे भी आई पे भी आ रहा होगा आई बटन पे भी। तो भाई ये तो अपन ने कर दिया, ठीक है पास से मैं एक बार दिखा दूँ, वापस इधर घूम के दिखा देते हैं एक बार, है ना सही है ना। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई कितना खर्चा आया इस काम में टोटल, तो भाई मात्र 300 रुपये लिए हैं, 300 फॉर ये दो हुए अपने बेसिकली पिलर्स, ठीक है, एंड देन ये दो पिलर्स हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे चलूँ मैं तो अपने ये दो और दो, तो भाई लगा लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो टोटल 8 पिलर्स के उस भाई ने मेरे से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये लिए हैं, तो भाई वर्थ है। एंड वो आपके ऊपर है टोटली बताना कि भाई गाड़ी टॉप मॉडल लग रही है नहीं लग रही है। हाँ मैं जानता हूँ फेंडर, एक बार फेंडर हटा दो, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक बार उंगली रखते हैं, उसके बाद बताओ भाई क्या कमी रहेगी। मेरे हिसाब से कुछ भी कमी नहीं है बाहर से, नॉट इवन सिंगल कोई बोल सकता है कि भाई हर्ष भाई अब आपकी गाड़ी में ये कमी रहेगी और यहाँ से टॉप मॉडल लग रहा। एनीवेज भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं वीडियो तक के लिए, बाय, धन्यवाद। गाइस आइसिंग ऑन द केक एक चीज़ दिखाओ भाई, देखो ये हुआ है कंपनी से काम, ठीक है, दिस इज़ कंपनी का, एंड अब मैं एक बार दिखाऊँ अपनी एक्स का, तो भाई एक्स का और कंपनी के में डिफरेंस आप बताओ, इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि भाई काम बढ़िया नहीं हुआ है
तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ फ्रॉम कंपनी इटसेल्फ स्टॉक है, एंड ये भाई अपन ने बाहर से करवाया है, तो थोड़ा बहुत भी फ़र्क है या नहीं है या फिर कैसा कुछ लग रहा है तो देख सकते हो। ठीक है, इसमें से पूछ रहा हूँ, हैं ये तो काला आता ही है, क्या काली हुई है, कौन सा काला हुआ है भाई, इसमें कुछ तो काला हुआ है। क्या काला हुआ है? नॉर्मली काली लग रही है, इतनी काली नहीं थी। मतलब क्या हुआ है ये? ये रबड़ है, कंपनी देती है जो, देख ये रही है, इसमें भी रबड़ है, ये रे। भाई तू शाइन आ रही है, बहुत ज्यादा अलग है। वाइट हुआ है? अच्छा, हाँ। अभी काला था, वाइट हो गया। ये देखिए पिलर्स वाइट थे पहले। भाई मैंने क्या कहा था? ये बीच वाले। गाइस ये झूठ बोलता है, देखो मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये काले हो। हाँ झूठी। ये वाइट है, कुछ काला है, देखो मैंने ऐसे हाथ किया था। हाँ ऐसे ऐसे। आप देख सकते हो हमारे घर की एक गाड़ी है रहा, दूसरा गाड़ी है खड़ा। ये अंदर